बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद से है। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो प्राइवेट अस्पतालों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। करोड़ों रुपए के आयकर चोरी के शक में ये छापेमारी हो रही है। दो प्राइवेट हॉस्पिटल, तीन शहर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। करोड़ों रुपए की आयकर चोरी के शक में ये दो प्राइवेट अस्पतालों पर छापेमारी चल रही है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का शक है। आयकर विभाग ने छापेमारी सुबह से शुरू की थी, अभी तक चल रही है। दो अस्पताल और तीन शहरों में ये छापेमारी चल रही है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कौन से हॉस्पिटल हैं और किस दौर में इन्होंने टैक्स चोरी का शक है इन पर? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा, इन तीन जगहों पर अस्पतालों पर रेड चल रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 5 अस्पताल हैं जिन पर ये रेड चल रही है। इनमें से 2 अस्पतालों का मालिक एक ही शख्स है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस बारे में इनकम टैक्स को सूचना मिली थी कि इन लोगों ने अपने ITR में जो आयकर रिटर्न दिखाया है, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा इन लोगों की आय है। इसके अलावा अब तक की छापेमारी के दौरान कुछ लूज दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर आयकर चोरी की गई थी। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में इन अस्पतालों पर और उनसे जुड़े लोगों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। विकास, ओम प्रकाश, ये पता चल पाया है कि जो आयकर चोरी का जो शक है वो किस दौर का है? कोरोना काल का है या उसके बाद का है? विकास, मैं आपको बता दूं, आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, आयकर चोरी पिछले 5 सालों के दौरान इन अस्पतालों से की गई थी। इस मामले में और ज्यादा जो जानकारी है वो आयकर विभाग की रेड पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 सालों के आकलन के दौरान ये आयकर चोरी पाई गई है। विकास जी, तो ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे हैं कि दो अस्पताल और तीन शहरों में आयकर विभाग की ये छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर ये 5 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें से 2 हॉस्पिटल के मालिक एक ही व्यक्ति हैं और इन्होंने जो ITR दाखिल की थी उसमें आयकर चोरी का शक था आयकर विभाग को, और उसके बाद से आयकर विभाग ने इस पूरे मामले की छानबीन की अपने स्तर पर। उसके बाद अब आज सुबह से छापेमारी चल रही है। बड़ी आबादी, ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।